जीन सेक्टर ट्वेंटी टू द्वारका नाउ वी वु एक्नोलेज के हमारे सेशन में हमने जो भी इमेजेस जी आई एफ वीडियोज यूज किए हैं वी हैव यूज एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पेज ओनली देर ट्रेडमार्क्स एंड कॉपी राइट बिलोंग टू दे रेस्पेक्टिव आईपी ओनर्स एंड आर यूज अंडर फेयर यूज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पजेज ओनली वी कीप ऑन टेलिंग यू अबाउट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन एवरी क्लास सो प्लीज आप इसको फॉलो करिए मास्क अच्छे से लगाइए रेगुलरली यूज कीजिए मेनटेन हैंड्सेंटली फॉर 20 ट्वेंटी सेकेंड uh, इस कैंपेन को भी हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ क्योंकि डेली एनसीआर रीजन में विंटर सीजन में एवरी ईयर वी फेस दिस से पोल्यूशन प्रॉब्लम और कोरोना टाइम में ये और ज्यादा यू you नो know, ये जो पोल्यूशन है कोरोना को और एग्रीवेट कर सकता है सो इन ऑर्डर टू कॉप दैट वी ऑनलाइन एजुकेटर्स आई होप सब हमारी टीम को अब अच्छे से जान चुके हैं आज का जो सेशन है दैट विल बी टेकन अपॉक्टर अनिता सिंह अनिता मैम जो है शी इजी आर पी वी सेक्टर टेन द्वारका आवर टीम कोडिनेटर इज इकबाल कौर मैम शी इज इन आरपीवी शालीमार बाग Then in our team we have bhuvan Chandra Tiwari sir. He is in RPVV IP Extension. We also have Lina Saxena ma'am in our team. She is in SKV H Block Ashok Vihar. I have already introduced myself. I am Pooja Verma. I am working in SOE Sector 22 Dwarka. Then our team is Soni sir He is in RPVV Sector 19 Dwarka. And we also have Shika Khatri Mam. She is in GG Triple S AP Block Shalimar Bagh. देन वी हैव दिस वीकली शेड्यूल की जो क्लास इलेवेंथ होगा बायोलॉजी दैट विल बी ऑन वेडनेसडे फ्रॉम टेन टू टेन फोर्टी फाइव ए एम वी कीप ऑन टेलिंग यू दिस इंस्ट्रक्शन कीप ऑन गिविंग यू दिस इंस्ट्रक्शन की अगर आप अपनी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो या साउंड प्रॉब्लम है सो यू नीड टू चेक योर इंटरनेट सेटिंग एंड आई होप ऑल इफ यू आर फेमिलियर की आपको जो आपका चैट बॉक्स है उसको कैसे यूज करना है उसमें आपकी सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रही है

उसमें से भी 389 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किया है, so, है उसमें सबसे पहले हैं अजय प्रकाश सक्सेना ही इज इन विवेक विहार सर्वोदय बाल विद्यालय देन वी हैव प्रतिभा कुमारी जी जी ट्रिपल एस एम बी रोड पुष्प विहार सेक्टर नंबर वन ज्योति जी एस एस पी रोड नांगलोई राहुल शर्मा आरपीवीवी सेक्टर टेन द्वारका खुशी सिंह एसके वी नंबर टू मंडावली स्मृति महापात्रा एस स्कूल, आया नगर हैव टेन द्वारका वंश आर टी आर जी एस वी सुरहेड़ा नितिका मोलारबंद नंबर वन जी जी ट्रिपल एस अर्चना मीना आरपीवीवी सेक्टर टेन द्वारका हिमानी पांडे एस बी ब्लॉक जनकपुरी भावना आरपीवीवी सेक्टर टेन द्वारका प्रतिभा आरपीवीवी सेक्टर टेन द्वारका पलक बिस्ट एस कैन सी वन यमुना चार्ट टूडे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आरपीवी सेक्टर टेन द्वारका से हैं सो अबेक राउंड ऑफ ए फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन टूडे सेशन वी विल लर्न अबाउट फाइलम अकाइनो फाइलम हेमी कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा

Means derma, और स्किन जो होती है इनकी, की बात कर लेते हैं, जैसा हम हर फाइलम की शुरुआत में करते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन बिल्कुल ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको सी में मिलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ okay? right? जितने भी एनिमल्स हैं उनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इनका यूनिक फीचर है ये सिस्टम कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के भी काम आता है लोकोमोशन के काम आता है और रेस्पिरेशन भी जो है ये सिस्टम से ही ये अपना काम चलाते हैं ऐसा ही वाटर वर्कुलर सिस्टम आपको याद होगा हमने जो है वो रेट्स में भी किया था राइट लेकिन यहाँ जो अरेंजमेंट है वाटर वर्कुलर सिस्टम की वो थोड़ा डिफरेंट है देखिए किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है इज नेटवर्क ऑफ वॉटर फिल्ड कैनाल्स कैनाल्स हैं जिनमें पानी भरा रहता है और आगे आगे मूव करता है यहां जो इमेज है इसको देखिए आप साथ में आपको मेड्रोपोराइट दिखाई दे रहा होगा मेड्रोपोराइट इज द ओपनिंग जहां से पानी जो है एकाइरोडर्म की बॉडी के अंदर जाता है और जब पानी मेड्रोपोराइट से पास होकर आगे बढ़ता है तो एक कैनाल है जैसा मैंने अभी बताया कि के पूरा कैनाल का ही सिस्टम है इस कैनाल को स्टोन कैनाल कहते हैं ओके उसके बाद पानी ऐसे पूरा ये जो सर्कल बना हुआ है एक रेडियल केनाल सर्कल uh, वाली केनाल में जा रहा है सर्कुलर केनाल है एंड दिस केनाल इज कॉल्ड एज रिंग कैनाल क्योंकि मैंने आपको बताया कि uh, जो है वो रेडियली सिमिट्रिकल है इनमें पांच आर्म है यूजली ये जो है फाइव आर्म्स वाले हैं ठीक है देखे? तो इनमें पैंटमरस रेडियल सिमेट्री है और हर आम के अंदर वाटर जो है वो कैनाल्स में पास ऑन हो रहा है आर्म्स में जो कैनाल जा रही हैं दिस इज अ रेडियल कैनाल एक और नाम आप देख रहे हैं फीट और एम्पले क्या है इसको अगली स्लाइड में समझते हैं ये देखिए आपको भी मैंने बताया कि यहां से पानी जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है जो कैनाल लेकर जा रही है वो स्टोन कैनाल सर्कुलर पूरी बॉडी के अंदर रिंग कैनाल हर रिंग कैनाल आम में जा रही है वो उस कैनाल को कहते हैं रेडियल केनाल और रेडियल कैनाल जो है दोनों तरफ ये लेटरल कैनाल्स में जो है वो मूव कर रही है ये मतलब कैनाल जो है इधर बटी हुई है एक तरफ इस तरफ लेटरल कैनाल और दूसरी तरफ लेटरल कैनाल और आप देखिए एम्पुला दिख रहा होगा आपको मस्कुलर सेक है ये ठीक है और लास्ट में पोडिया इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्यूब फीट कहते हैं मैं रिपीट कर रही हूँ ये बहुत यूनिक फीचर है इन ऑर्गेनिज्म का समझ आना चाहिए कि वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या है हाइड्रा में जब बात की थी या सिलेंट्रेट में बात की थी तो स्टूडेंट्स वहां हमने बात की थी कि हाइपोस्टोम होता है पानी बॉडी के अंदर गया वहीं से वो वापस चला गया लेकिन यहाँ प्रॉपरली एक डिजाइन है वाटर वस्कुलर सिस्टम का जस्ट वॉच इट अगेन मेड्रोपोराइड स्टोन के में पानी आया रिंग केनाल में गया रिंग केनाल रेडिएट कर रही है एक तरीके से हर आम में और उस स्ट्रक्चर को वहां उस केनाल को रेडियल केनाल कह रहे हैं फिर वो दोनों साइड में जो है वो आगे डिवाइड कर रही है उनको लेटरल केनाल कह रहे हैं और लेटरल केनाल में जो मस्कुलर सेक्स हैं वो एम्पुला कहला रहा है और ये पोडिया है जो मूवमेंट चलने में भी मदद करेंगे ओके और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब फेड कहला रहा है अब आप एक्चुअली देखिए कैसा दिखता है ये ये देखिए ये स्टार फिश की एक आम है ये देखिए एपोडिया पूरा निकल रहा है ये सारी ट्यूबिड्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है आई होप क्लियर होगा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एबसेंट है आप जानते हो वाटर में है तो जो भी डाइजेशन किया वो वहीं से ये वेस्ट कर को जो है वो बाहर निकाल देते हैं और रिप्रोडक्शन uh, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है

पर क्या इससे पहले भी जो फाइलम थे उनमें हमने कहा था कि दे हैव गॉट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट हम तब कहते हैं जब फूड की एंट्री के लिए एक अलग ओपनिंग है और वेस्ट प्रोडक्ट के एग्जिट के लिए एक अलग ओपनिंग है तो इनके अंदर अगर आप देखोगे तो अगर स्टारफिश का ये फ्लैट सरफेस है तो ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो एनस है ठीक है और इसमें नीचे की तरफ जो है वो माउथ है माउथ के हिसाब से हम ओरल या एन के हिसाब से अबोरल एंड कहते हैं तो यानी कि ऊपर की तरफ एबोरल एंड है और नीचे की तरफ इसमें ओरल एंड है, ओके। और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हैं इसमें स्टमक दिखाई दे रहा है यहीं पर पास में ही ओके ओके डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया साथ साथ आर्म्स में आप देखिए हैं क्योंकि अभी बात करी है कि इनमें जो है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है और बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होता है ओके ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कैसे ये एक मसल को पकड़ रहा है और पूरी तरह से इसको ये डाइजेस्ट कर लेगा आपके लिए हमारे पास एक वीडियो भी है जिसके थ्रू आप ये देख पाए शेल शेल को छोड़ देगा इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है शेल के अंदर ये मोलस को पूरी तरीके से खा लेगा स्नेल्स वगैरह को भी खाते हैं ओके अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स कि ये अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को जो है फिर से रिजेनरेट कर लेते हैं इमेज में देखिए आप ये आपको स्टारफिश की एक उगती हुई आम दिख रही होगी चार आम है ये किसी रीजन से जो है वो लॉस्ट हुई होगी और अब ये रीजनरेट कर रही है नीचे देखिए ये कितनी सारी आम जो है वो रीजनरेट कर रही है कई बार बच्चों स्टारफिश uh, की एक आम ही पूरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो रिजनरेट करने के पावर रखती है uh, वो तब हो पाएगा जब इसके साथ साथ जब ये कोई आम जो है इससे डिटैच हो जिस भी रीजन से हो रही हो उसके साथ साथ वो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का पार्ट भी इसके साथ चला जाए जो टूटी हुई आम है और साथ साथ थोड़ा सा पार्ट जो है वो रिंग कैनाल का भी चला जाए तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक सिंगल आर्म ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में जो है वो डेवलप हो जाए ओके? Okay? इसके एग्जाम्पल देखे इस ग्रुप के स्टारफिश है Echinus है, सी अर्चिन एंटीडोन है सी लिली क्योंकि मेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरिया ब्रिटल स्टार ये कैसे दिखते कैसे हैं कैसे समझ में आएगा कि ये क्या है उसके लिए हमारे पास में आपके लिए एक वीडियो है लेकिन उस वीडियो को प्ले करने से पहले हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो हम YouTube से लेते हैं और ये वीडियो हम जो है फेयर यूज ऑफ एजुकेशनल पर्पज के लिए लेते हैं इससे कोई मॉनिटरी गेन जो है वो नहीं लिया जाता वो स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए ही इस वीडियो को यूज किया जाता है इस पर हमारा कॉपी नहीं है एंड वी आर रियली थैंकफुल कॉपी राइट ओनर जिन्होंने यह वीडियो बनाए हैं लेट्स प्ले और देखिए बहुत सुंदर वीडियो है इन द गेम ऑफ लाइफ मेनी विनिंग फ्रीचर्स है नो स्पीड दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम आस वी बेयरली रेकग्नाइज द्स Yet, they are movers and shakers of their own domain. Echinoderms show us that ours is not the only way to be successful as an animal. Even the most familiar of echinoderms can seem strange and alien. The sea star is a headless, faceless wonder, a collection of arms that forms a five pointed star like all echinoderms its body is based on five-part symmetry in fact every echinoderm is a variation on this five-part body plan join the sea star's arms together and you get a variation, the basic shape of its close relative the sea urchin the five arms have become a five-part sphere Body, turn the urchin on its side and give its body a good stretch you've created a sea cucumber, the the cucumber five part has become a five-part tube, it, see, tube under the surface echinoderms are equally unusual the sea star skeleton is nothing like our own Just beneath the skin lies a latticework made up of thousands of bony platelets. They're woven together by minuscule muscles which can flex the arms in any direction. They have incredible strength and endurance. A special protein allows them to lock their arms in position effortlessly for hours, something our muscles could never do. Instead of a brain, echinoderms have a nerve ring, a living relay station. It acts to coordinate the movements of their arms. Right? Simple nervous system, it's a ring, and the arms the nerve ring. Is How do creatures built on such a simple design, so different from our own complex bodies, manage to survive and even thrive? Spine endoskeleton extension For over half they've evolved radical solutions to life's challenges They are a modern day evolutionary success urchins are grazers munching their way through submarine pastures of plants and algae. ग्रेजर्स हैं ये प्लांट्स को खा रहे हैं कैलिफोर्निया कोस्ट अर्चिन्स कैन रीच प्लेग प्रोपोर्शंस ये देखो केल्प दे हैव अ वोरेशियस एपेटाइट फॉर जायंट केल्प सीन इन टाइम लैप्स अर्चिन्स स्प्रिंग इनटू ईरी लाइफ डिवोरिंग एनीथिंग एडिबल इन देयर पाथ देखे सेंस कर सकते हैं ये वाटर को सेंस करते रहते हैं सो दे कांट सी वेयर दे आर गोइंग But they do have sensory tube feet, which wave to and fro, tasting it, the water it, for it, anything good to eat. Water को taste कर रहे हैं कि अगर कुछ भी heating के लिए है. और forest होता है पहले पड़ा है Like a bucket brigade, passing the food from one sticky sucker to the next, pulling the meal relentlessly toward the powerful star-shaped jaw that awaits underneath. ये देखो इसका mouth, इसमें jaw भी jaw it makes short work of it the tender kelp, khair. neatly scissoring it into bite-sized pieces. Look how beautifully the video is being really made. When urchin populations are high, the persistent nibbling of their armies can mow down an entire kelp forest within a matter of months. Now, see cucumber. Dekho. like their cousins the urchins sea cucumbers have a powerful impact on their world the deep lumber across sea floors the world over in the deep sea these unassuming creatures make up the vast majority of animals on the ocean floor dekho, body spine hai. Everywhere they go, these animals help themselves to a banquet hidden in the sand. Specially modified tube feet continuously shovel sand into their mouths. Sand rich in organic matter, which they digest. The leftovers are ejected in the familiar manner. Legend has it that every grain of ocean sand has, at one time or another, passed this way. So, this way is now brittle stars. Look, how beautiful. Brittle stars can cover vast expanses of the sea floor, forming a fuzzy living carpet. These smallest echinoderms often make up in numbers for what they lack in size though they may appear more like plants than animals their writhing bodies betray their true nature for these are not flowers of the deep these are patient predators, predators are they catch their prey by waving their feathery arms through the water plucking plankton from the current

all into all into the body through a single opening called a sieve plate. Opening. The water fills the five radial canals which run down the length of the arms, forming a hydraulic system. The water is stored in little muscular bulbs. When a bulb contracts, it forces water into the elastic tube foot, extending it. Okay. Muscular and Muscles on the foot swing it in the direction the sea star wants to move. Sea stars can move equally well in any direction, but they must coordinate the movement of thousands of feet. Used together, they have incredible strength. Clustered at the tip of each arm are special sensory tube feet that taste the water, seeking food or sensing Dekho, danger. Evolution is, simple organism is, it is, it the tip of each arm is also equipped sensory with a light-sensing organ, sensing organ seen here as a red dot. This receptor cannot form images, but it can sense light and darkness. Although their sensory system may seem simplistic compared to ours it hasn't stopped the sea star from being a fearsome predator देखो कैसे अब ये जो है अपने प्रे को पकड़ती है next meal higher up on the pilings of a man made pier a feast of mussels अभी मैंने दिखाया भी था आपको कि मसल्स को कैसे खाती है Let's see how the process. Like an advancing army, the sea stars move into position, slowly but surely working their way up toward their victims. The pilings provide a solid surface to which whole colonies of mussels cling. The mussels cannot run or fight. All they can do is hide within their shells as their killers crawl over their bodies sensory tube feet sweep over the tightly packed mass of shells searching for any gap in the muscle's defenses How eat the muscles? settling on its victim Here the muscle. first wave of the assault begins with the tube feet which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the muscle's shell Next,

gives us the first look ever at the carnage that unfolds here every day look, the, whole the digestion pushes its stomach inside the muscle's shell unfolding completely like a unusual flesh. phenomena only seen in case of unleashes of chemical weapons digestive juices that dissolve the muscle's soft pink flesh All that's left is a nutrient rich soup, a broth that's quickly absorbed by the sea star. Having assimilated the muscle, the sea star's stomach pulls away. And the animal moves on, just leaving behind shell. an empty shell. He the whole animal. Okay? So there are some predators of this phylum. Of animals. There are some grazers as well, which we just saw the sea urchin. Ab ye dekho zara. This is picnopodia a giant. Look at that number of arms. It can have more than 20 arms and grow larger than a manhole cover. Okay. That was all. A beautiful video. Okay. एक जो बात बच्चों अभी और रह गई कि इनकी जो इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन है ना वो इसकी एंडोस्केलेटन की ही कहलो एक्सटेंशन है या वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं ओके ये जो होते हैं वो ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं ओके तो मैं याद होगा हम लोगों ने शायद फर्स्ट सेशन में ही बात की थी कि, कि कुछ एनिमल्स में जो है वो ब्लास्टोस्पोर से एक ओपनिंग बनती है कुछ में दूसरी बनती है अब मुझे ये बताओ ड्यूट्रोस्टोम जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से कौन सी ओपनिंग बनती है क्या बनता है उससे माउथ बनता है एनस बनता है क्या बनता है बताओ जरा फिर हम आगे नया जो है वो एक और फाइल हम स्टडी करेंगे एक बार मैम आर वी गेटिंग आंसर्स अभी वेट कर रहे हैं लेट देम राइट जी ड्यूट्रोस्टोम्स जो है एनिमल जो होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से क्या बनता है एनस बनती है या माउथ बनता है बताओ जरा बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं मैम एंड दे आर राइटिंग माउथ दे आर राइटिंग माउथ या ओके भूल गए भाई रिवाइज नहीं करते हो

एक चीज मैं बच्चों को यहाँ बताना चाहूंगी कि बच्चों देखो सार इतने सारे फाइलम्स हमने पढ़े इनको याद करना आपके लिए टफ लग रहा होगा तो सबसे पहले आप इसको एक टेबलेटेड फॉर्म में अगर अपनी नोटबुक में लिखते हैं पहले उनके कॉमन फीचर्स लिख लो फिर उनके स्पेसिफिक फीचर्स को अगर आप सेपरेट करोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी बट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट तो वो याद करना डिफिकल्ट होते हैं नोट्स है, बनाना जो है वो बहुत अच्छी हैबिट है एनसीआरटी को बुक को भी रेफर करें और अपने नोट जो है उस हिसाब से बनाते रहे मैम yes, जी बच्चो हेमिकॉडेटा जो फाइलम है इसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो कॉडेट से भी मिलते हैं और काफी सारे फीचर नॉन कॉडेट से भी मिलते हैं तो पहले इसको कॉडेटा में रखा जाता था लेकिन अब इसे सेपरेट एक फाइलम में रख दिया गया है एंड क्योंकि इसके फीचर्स कॉमन मिल रहे हैं हेमी कॉडेटा के कॉर्डेट से भी और नॉन कॉर्डेट से भी तो इसको कनेक्टिंग लिंक जो है वो हम कंसिडर करते हैं ओके फंडामेंटल फीचर्स की बात कर लें तो ये सारे भी मरीन्स हैं इनको कॉमनली हम जो है एकॉन बॉम कहते हैं और ये फीचर्स तो आपको मिलने ही वाले हैं बाइलेट्री सिमिट्रिकल ट्रिप्लो ब्लास्टिक सीलोमेट बहुत छोटा सा फाइलम है अप्रोक्सिमेटली सिर्फ हंड्रेड स्पीशीज जो है हमें इस फाइलम में मिलती हैं और इसके दो एग्जाम्पल हैं बेलोग्लोस और सेकोग्लोसस ओके okay? अब जैसे इमेज दिखाई दे रही है इसकी बॉडी जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है देखो एक दो और तीन ये पार्ट क्या है इसको आगे बढ़ते हैं इसके बॉडी जो जिन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं वो हैं प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक ये देखिए प्रोबोसिस ये रीजन कॉलर और ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो ये ट्रंक है ओके okay? जो ट्रंक रीजन है वो फिर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है एक जहां पर गिल्स है तो ये ब्रेंकियल रीजन है और उसके बाद जो है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स uh, का है तो इसको हिपेटिक रीजन कहते हैं और बाद में जो है पोस्टिपैटिक रीजन और लास्ट में जो है वो ओपनिंग है एनस की क्यों इसको uh, phylum में रखा गया था ये सिमिलर माना जा रहा था नोटोकॉड से बाद में uh, पता चला कि नो दिस इज नॉट अड तो इसको सेपरेट फाइलम में रख दिया गया बस स्टोमा कोड जो है अभी uh, ये जो फीचर है इसकी वजह से इसको जो है वो Uh, इसको हम कई बार जो है वो लिटिल कॉर्डेट भी कह देते हैं दो इट इज अपरेट ओपन है रेस्पिरेशन जैसे अभी मैंने रीजन बताया तो ब्रांक्यल तो आपको पता है कि हम जो है गर्ल्स के लिए यूज करते हैं इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोवासिस ग्लैंड है ओके एंड सेक्स आर सेपरेट तो ये कुछ इमेजेस दी गई हैं इनको देखिए आप साथ में बहुत बार इनको टंग वॉर्म भी कहते हैं ठीक है इनका एक और यूनिक फीचर है कि ये बरोइंग एनिमल है और बरोइंग जो हैबिट है इनकी वो भी बड़ा यूनिक सा एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक यूट्यूब का जो है ये शेप का बरो बनाते हैं ओके और उसमें ये रह रहे होते हैं कोस्टल या डीप सी ओशन में होते हैं यूजुअली ये देखने को ज्यादा मिलते नहीं है ओके और इनकी जो साइज है वो बहुत छोटे से कुछ मिलीमीटर से लेके 1.5 यानी डेढ़ मीटर तक हो सकती है यूज दे यूज प्रोबोसिस टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल इन सेंट तो कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो उसको बढ़ाते हैं एंड दे हैव गॉट सेपरेट सेक्सेस एंड दे रिलीज्ड गैमीट ओके तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को जो है ये फेवर करते हैं अब बात करेंगे हम कॉर्डेट्स की ओके okay? हमारा जो लास्ट फाइलम बचा है वो बच्चों कॉर्डेट्स है कौड़ेट्स और नॉन कॉर्डेट में पांच मेजर डिफरेंस कॉर्डेट्स में डिराइव्ड ये भी बात हम कई सेशन में कर चुके हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है सीएनएस वो डोर्सल होता है ओके होलो होता है और सिंगल होता है नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है याद करो जब मैं इंसक्ट पढ़ा रही थी तो मैं बार बार बोल रही थी दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो वहां सिंगल भी नहीं था ठीक है एंड द नर्वस सिस्टम इज सॉलिड एंड डबल तो डबल थी वहां पर और उन वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स को जो है बीच बीच में कनेक्शन थे गैंग्लिया वगैरह फिशर्स कॉमिशोर्स वगैरह जो है वो कनेक्ट कर रहे थे ये हमने पढ़ा था आर परफोरेटेड बाय स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में गिल तो हो सकते हैं लेकिन वहां कोई स्लिट जैसा ऐसा कुछ नहीं है ओके हार्ट इज वेंट्रल इन केस ऑफ कॉर्डेट्स अब जरा कॉकरोच की बॉडी याद करो वहां हमने जो है थर्टीन हार्ट बनाए थे और किस तरफ बनाए थे याद करो पीठ की तरफ बनाए थे डॉर्सल साइड पे थे ओके सो so, सभी कॉर्डेट्स में अगर हार्ट है तो वो डोरसल साइड पे होगा का एक और यूनिक फीचर है कि इनमें एक पोस्ट एनल पार्ट होता है एनल के बाद भी ये एक्सटेंशन होती है जिसको हम टेल कहते हैं ओके और नॉन कॉर्डेट्स में जो है पोस्ट एनल टेल जो है वो कभी देखने को नहीं मिलते हैं कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके दो आ, नहीं तीन सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिलाकर जो है वो प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं ओके प्रोटोकॉर्डेट्स में बच्चों जो जैसे हमारा ब्रेन है ना खोपड़ी है ये जो हड्डियां हैं ओके दैट्स कॉल्ड क्रैनम प्रोटोकॉर्डेट्स में क्रैनम नहीं होता इसलिए इनको एक्रेनिएटा कहा जाता है ओके और वर्टिब्रेट्स में सभी में होता है इसलिए इनको क्रेनिएटा कहते हैं वर्टिब्रेट्स की दो डिवीजन है एक है एग्नेथा और दूसरी है ग्नेथा स्टोमेटा एग्नेथा मीन्स जॉलेस इनके जॉ नहीं होते हैं इसकी एक क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा और गनेथा स्टोमेटा फिर से दो सब, आ, सुपर क्लास में डिवाइडेड है डिपेंडिंग अपॉन द पोडिया मतलब जैसे कितने आ, जो है वो इनके अपेंडेजेस कह लू डेवलप्ड हैं जिसमें दो क्लास पढ़ेंगे हम एक पाइसिस है जिसमें फिशेस आती है सारी और आ, दूसरा पढ़ेंगे हम टेट्रोपोडा ओके तो ये दो सुपर क्लास हो गई पाइसिस और टेट्रोपोडा पाइसिस की दो क्लासे होंगी कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस और टेट्रापोडा यानी चार पांव हैं, उनमें एम्फीबिया रेप्टाइल्स, एव्स और मेमेलिया तो ये इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये कॉर्डेटा सब फाइलम की क्लासेस तक की डिविजन है जो आपके सिलेबस में है एक पहला फाइलम सब फाइलम की बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की बात कर लेते हैं यूरोडेटा में अभी मैंने पांच फीचर्स बताए थे कौन कौन से फीचर्स थे कि नोटोकॉड होनी चाहिए टेल है, गेल है आ, स्लिट्स होंगी, ये सब बातें मैंने की थी तो अब बात करेंगे कि कुछ ऐसे फीचर्स तो होंगे ना कॉडेटा में रखा गया है पहला फीचर इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसमें टेल रीजन में नोटोकॉड होती है ओके और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब लार्वा है तो मेटामोरफोसिस होगा ठीक है और इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामोसिस होता है रेट्रोग्रेसिव मैटाम का मतलब होता है कि कुछ पार्ट जो लार्वा में थे वो जब लार्वा मैटाम करेगा तो वो लॉस्ट हो जाते हैं okay? तो नोटोकॉड नहीं होती है ओके okay? और एक और बात इनकी जो बॉडी है ये देखो इन बॉडी में दो ओपनिंग है अभी बात करते हैं कि क्या है ये ओपनिंग इनकी पूरी बुरी बॉडी जो है एक लेयर से कवर्ड होती है इस लेयर को ट्यूनिक बोला जाता है इस वजह से इस सब फाइलम का दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं हैं ट्यूनिकेटा आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म मैंने अभी आपको पीछे इमेज में दिखाया था कि इसकी दो बॉडी में दो ओपनिंग है एक तरफ से पानी आता है और फिर दूसरे बॉडी में जाने के बाद दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जाता है जिस एंड से पानी आता है दैट इज कॉल्ड एज ओरल साइफन ओके और जिस एंड से वाटर निकल रहा है वो एट्रियल साइफन क्योंकि इनमें से पानी आ रहा है और उसी पानी से इन्होंने अपना जो है वो, uh, सारा काम करना है तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं ठीक है एक और ग्रुप हमने फिल्टर फीडर पढ़ा था जरा मुझे बताओ कौन सा दूसरा फाइलम था जिनको हमने फिल्टर फीडर कहा था अब मुझे सही आंसर चाहिए इस बार ओके बताओ कौन सा पढ़ा था हमने कि उनको भी हम फिल्टर फीडर कह रहे थे उनके बॉडी के अंदर जो पानी जा रहा था वो उसी से अपना जो है वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे थे। We're still waiting for the answers, ma'am। हम्म। hmm. So we request uh, uh, students to answer quickly। Rahul Sharma has written पॉरिफेरा। आह बढ़िया। Muhammad Haseen पॉरिफेरा। Very good, very good. Sponges, so the, very good. Very good. अब बहुत सारे आंसर yeah. आ गए. This time they are right. Okay. तो so filter feeder का मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब और uh, tunic मैंने बता दिया. इसका आप सात वाली images में देखिए. यहाँ इसका digestive system है. Stomach दिखाई दे रहा है और ये इसकी anus है. Okay. testis uh, और ovary भी आप आपको दिख रही है. Okay. तो so इसका मतलब ये hermaphrodites है. हार्मोफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये एनिमल जो हैं वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन फेवर करते हैं तो ये भी हमने पहले बात की थी प्लेटी हेलमेट में बात की थी कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मोफ्रोडाइट है यानी कि वहीं टेस्टिस भी अवेलेबल हैं वहीं पर ओवरी भी अवेलेबल हैं तो ऐसा क्यों है कि वहां फर्टिलाइजेशन होने की बजाय वो क्रॉस करते हैं कैसे कर पाते हैं ये तभी कर पाते हैं कि जब कभी फीमेल पार्ट जो है वो पहले डेवलप हो जाए तो फीमेल पार्ट डेवलप्ड है स्पम वहां अवेलेबल नहीं है तो वो जो स्पम उसे अवेलेबल होंगे उनके साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाता है हार्मोफ्रोडाइट की बात कर ली मैंने आपके साथ यस दे फेवर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू प्रोटो ये भी बात हो गई हमारी एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा ओके ये हो गई हमारी बात इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं एसिडिया ये देखिए सल्पा

Colonial tunicates, known as pyrosomes, can form together to create massive structures up to 60 feet long. Certain invasive species have found their way to the United States. The colonies create a dense covering along the ocean floor and surrounding surfaces, suffocating native species that are essential to ecosystems. Tunicates are able to reproduce both asexually and sexually, and they are, with Colonies typically form through budding, a form of asexual reproduction. An alternative to budding is a sexual means of reproduction in which both sperm and eggs are released into the surrounding water to fertilize. Tunicates as a rule do not self-fertilize and therefore this mode of reproduction produces greater genetic variability. Okay, so now you can see how the animals are Next subphylum is Cephalocordata. सिफेलोकॉडेटा और यूरोडेटा में एक डिफरेंस है यूरोडेटा में जो नोटोकॉड थी वो सिर्फ लार्वल रीजन में लार्वल uh, में थी और सिफेलोकोडाटा में, में, में जो नोटोकॉड होती है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट तक रन करती है ओके एंड अः नोटोकॉड जो है वो आउट लाइफ होती है यानी कि इसका जो भी uh, इसका एडल्ट uh, होगा उसमें ये नोटोकॉड प्रेजेंट होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है लेकिन ब्रेन और स्पाइनल में नहीं होता इसका एग्जाम्पल देखिए एम्फियोक्सिस इसका एग्जाम्पल है और इस इमेज के थ्रू समझते हैं इसमें ये देखिए ये इसका ओरल ओरल वर्ड बतली समझ जाओ कि वहां पर माउथ लोकेटेड होगा ठीक है और ये कुछ टेंटिकल्स निकले हुए हैं ओरल रीजन के आसपास में तो जब भी टेंटिकल्स वगैरह होंगे तो कैच करने का फूड कैप्चरिंग वगैरह का है उसमें काफी हेल्प रहेगी ये गेल स्लिट देखिए ओके और उसके ऊपर ये नोटोकॉट एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन तक ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेस्टाइन है और एनस है ये देखिए नोटोकॉट एनस के बाद भी एक्सटेंड हो रही है ये पोर्शन देखिए इसमें ओके okay? तो इस रीजन को जो है वो हम टेल बोलेंगे ओके okay? यहां पर एक फिन है ये कंप्लीट बॉडी को कवर करता हुआ और एक वेंट्रल फिन है ठीक है वेंट्रल फिन जो है वो एनस के पीछे नहीं होगा यहीं से होगा और लास्ट में जो टेल के आसपास फिन है जो इसको स्विम करने में हेल्प करेगा वो होगा बच्चों कॉर्डल फिन और एक यूनिक फीचर है इसमें ये मायोटोम्स लिखा हुआ है आप देखिए यहां पर जो मायोटोम्स होते हैं वो स्ट्राइटेड मसल्स के बैंड होते हैं जो साफ दिखाई देते हैं ओके और मसल्स हैं तो आप समझ सकते हो कि मूवमेंट जो है इसके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा और कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके अंदर कॉर्डेट्स uh, वाले कि नोटोकॉर्ड है फेरेंजियल गेल स्लिट्स है टेल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ओके एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें बहुत सारे गुनाड प्रेजेंट होते हैं ठीक है ऑन एन एवरेज ट्वेंटी सिक्स पैर होता है प्लस माइनस थोड़ा सा इसमें करें लेकिन छब्बीस इसमें गुनाड़ होते हैं देखिए ये देखिए, ये दिख रहे ये व्हाइट 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 जो सारे हैं और ये जो है ऊपर जो है इसमें इसमें ये मायोटोम्स दिखाई दे रहे होंगे ये क्लियर है ये दिखाई दे रहा है बच्चों एम्फियोक्सिस जो है वो इसका एग्जाम्पल है ओके okay? और इसी के साथ आज के हमारे सारे जो फाइलम्स थे और सब फाइलम हमने जो पढ़ने थे वो कंप्लीट इस सेशन से आपके लिए एक होम असाइनमेंट जो है वो हम देंगे लेकिन उससे पहले मेरे एक दो क्वेश्चंस के आंसर करो जो मैं बहुत यूनिक फीचर्स हैं ठीक है आप मुझको आर्थ्रोपोडा का एक यूनिक फीचर लिख कर दिखाओ पहले चैट पर जाने से पहले आपसे दो तीन क्वेश्चंस करेंगे आर्थ्रोपोडा का यूनिक फीचर वी आर वेटिंग मैम यस क्योंकि ये इतने सारे फाइलम हो गए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे इन फाइलम्स को अच्छे से याद करने के लिए और तब... जी बेटा बार बार पढ़ना पड़ेगा हाँ ये बार... क्योंकि ये सारी चीजें इनके लिए बिल्कुल नहीं है मैम तो भिल्कुं। एक बारी पढ़ने से हो, हो सकता है समझ में ना आए इनको मुश्किल लगे ये दो तीन बारी पढ़ेंगे लिखेंगे उतनी ही बार लिखेंगे भी तो इनको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा बिल्कुल मैम आर्थ्रोपोडा के ये इन्होंने बहुत सारे और करेक्ट आंसर दिए हैं ज्वाइंटेड लेग्स तो सभी ने मोस्टली यही लिखा है बिल्कुल बिल्कुल एक है एक्सोस्केलेटन एक ऑफ काइटिन भी लिखा है कार्तिक ने एंड मेनी मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग एंड ऑल ऑफ देम दे आर करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल और एक लास्ट क्वेश्चन और एक मुझे जो है करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो सीलेंट्रेट्स का बता दो इंडिडेरियंस का नाम से ही पता चलना चाहिए वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए मैं भी तो देखूं कि आप कितना रिवाइज कर रहे हैं हमारे साथ साथ जो है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे बिल्कुल मैम आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी करेक्ट आंसर दिया है ब्यूटिफुल मोल्टिंग भी लिखा है आंसर नाइट ऑफ लास्ट आ गया यस यस मैम राहुल शर्मा ओह ग्रेट राहुल एंड यू यू ऑल स्टूडेंट्स आर वंडरफुल आपको पढ़ाने में भी हमें उतना ही मजा आ रहा है जितना कि शायद आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा तो कई बार हम जो आपके फीडबैक का भी वेट कर रहे होते हैं ओके एंड नाउ दिस इज द टाइम टू एंड सेशन इस सेशन uh, से आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो क्विज के फॉर्म में हमेशा लेते हैं और कुछ क्वेश्चन है इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़े टाइम बाद अवेलेबल हो जाएगा आपका फीडबैक जो है स्टूडेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ओके okay? और आपके सजेशंस भी हमें जो है नेक्स्ट सेशन प्लान करने में काफी हेल्प करते हैं सो फील फ्री टू गिव ये एंड बच्चे ये पूछ रहे थे मैम कि आज आ, लास्ट ऑनलाइन क्लास है तो बच्चों स्कूल खुल तो रहे हैं बट क्लासेस आपकी यू ही चलती रहेंगी आप स्कूल के बाद इन यूट्यूब को जरूर देखते देखिए बिल्कुल थैंक यू टू एवरी वन टू अर टीम बायोलॉजी थैंक यू वेरी मच लाइक एंड कॉमेंट थैंक यू थैंक यू अनिता मैम